हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं हेल्थ अपडेट और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। चलिए बिना देरी किए नजर डालते हैं आज की हेल्थ से जुड़ी मुख्य खबरों पर। अमेरिका दवा निर्माता फाइजर इंक की भारतीय इकाई फाइजर लिमिटेड ने अपनी निर्माण प्रक्रिया में दिक्कतों को देखते हुए भारत में अपने कुछ उत्पादों की बिक्री और उपयोग को निलंबित कर दिया है। भारत भर के स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर्स और भारत भर के अस्पतालों को लिखे पत्र में फाइजर ने तत्काल प्रभाव से मैगजैक्स, जॉयसन, मैग्नामाइसिन इंजेक्शंस एंड मैग्नेक्स फोर्टे की सेल और डिस्ट्रीब्यूशन को अस्थायी रूप से निलंबित करने के लिए कहा है। ये दवाएं गंभीर बीमारी से पीड़ित रोगियों या गहन देखभाल इकाइयों में भर्ती मरीजों को दी जाती है। मैगजैक्स, जॉयसन, मैग्नामाइसिन इंजेक्शंस का उत्पादन एस्टर स्टेरिटेक द्वारा किया जाता है। फिलहाल फाइजर ने इन उत्पादों पर स्वैच्छिक रोक लगा दी है। अभी जाँच की जा रही है, यदि जरूरी हुआ तो फाइजर आगे की कार्रवाई करेगा। बच्चों में श्वसन देखभाल जागरूकता के लिए सिप्ला ने लॉन्च किया टफीज। सिप्ला ने अपनी जनरल पेशेंट और पब्लिक अवेयरनेस के लिए एक पहल टफीज की शुरुआत की है, जो बच्चों विशेष रूप से अस्थमा से पीड़ित लोगों के बीच रेस्पिरेटरी देखभाल में सुधार लाने के लिए जागरूकता को बढ़ावा देती है। अस्थमा और इसके ट्रीटमेंट जैसी पुरानी सांस की बीमारियों से जुड़े मिथ्स और स्टिग्मा पर काबू पाने के लिए टफीज कैंपेन का लक्ष्य 5 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों और उनकी देखभाल करने वालों को शामिल करना है। अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे ने टफीज कॉमिक बुक का अनावरण कर अभियान की शुरुआत की है। ट्रांसजेंडर इंडिया ने शुरू किया ऑनलाइन जेंडर ट्रांजिशन कोर्स। तेजी से बढ़ते लिंग परिवर्तन को देखते हुए ट्रांसजेंडर इंडिया ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है, जहां आपको लिंग परिवर्तन से जुड़ी स्टेप टू स्टेप सारी जानकारी मिलेगी। इसमें आपको मेडिकल, लीगल और सोशल ट्रांजिशन से जुड़ी सभी गाइडेंस मुहैया कराई जाएंगी। इस प्लेटफॉर्म पर वीडियो और कोर्सेज के माध्यम से खूब सारी जानकारी मुहैया कराई गई है। ये जानकारी आप हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में पा सकते हैं। होमोफोबिया, बायोफोबिया, इंटरसेक्सिज्म और ट्रांसफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय को सशक्त बनाने के समर्पित एक संगठन ट्रांसजेंडर इंडिया ने ये अपनी तरह का पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया है। यह अभूतपूर्व पहल समावेशिता को बढ़ावा देने और LGBTQIA समुदाय विशेष रूप से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ समाज द्वारा किए जाने वाले भेदभाव का मुकाबला करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। 2030 तक 5 मिलियन पहुंच जाएंगे ब्रेन स्ट्रोक के मामले। लोगों के बिगड़ते लाइफस्टाइल के चलते 2030 तक ब्रेन स्ट्रोक के मामले तेजी से बढ़ने का अनुमान है। अत्यधिक धूम्रपान, जंक फूड्स का सेवन, हाई ब्लड प्रेशर और मोटापा ब्रेन स्ट्रोक के खतरे को बढ़ा रहे हैं और एक रिसर्च के अनुमान के मुताबिक 2030 तक ब्रेन स्ट्रोक से मरने वालों की संख्या 5 मिलियन तक पहुंच सकती है। मेडिकल जर्नल न्यूरोलॉजी में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक 1990 में आइस्कीमिक स्ट्रोक से दुनिया भर में होने वाली मौतों का आंकड़ा 20 लाख था, जो 2019 तक 30 लाख पहुंच गया है। वही 2030 तक इसका बढ़कर 50 लाख तक होने का अनुमान है। आइसीमिक स्ट्रोक ब्रेन में खून के प्रवाह में रुकावट की वजह से होता है और ये स्ट्रोक का सबसे सामान्य टाइप है। शोधकर्ताओं ने पाया कि धूम्रपान समेत 7 प्रमुख कारण हैं जो स्ट्रोक के खतरे को बढ़ाते हैं। इनमें सोडियम युक्त आहार, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, गुर्दे की शिथिलता, हाई ब्लड शुगर और मोटापा बड़ी वजह हैं। ये रिसर्च 2020-2030 के लिए मौतों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए की गई थी, जिसमें पाया गया कि आइसीमिक स्ट्रोक से मरने वालों की तादाद 2030 तक बढ़कर 50 लाख हो जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया अगले हफ्ते जिनेवा में 76वां विश्व स्वास्थ्य सभा में करेंगे शिरकत। इस बार 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन 21 से 30 मई के बीच जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। माना जा रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया इस सभा में शिरकत करने जिनेवा पहुंचेंगे। वह वहां संयुक्त राज्य अमेरिका, बांग्लादेश, अर्जेंटीना, ब्राजील, कतर समेत कई देशों के मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही उनकी ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के मंत्रियों के साथ बहुपक्षीय बैठक हो सकती है। वह हील इन इंडिया, हील बाय इंडिया, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य जैसे कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 13 से 14 मई जापान द्वारा आयोजित G7 कार्यक्रम में भी भाग लिया था। रोहड़ू सिविल अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को लेकर हिमाचल सरकार को नोटिस। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को स्टेट चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, डायरेक्टर और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को रोहड़ू सिविल हॉस्पिटल में पैरामेडिकल स्टाफ की कमी के मामले में नोटिस जारी किया है। खबर है कि सिविल हॉस्पिटल रोहड़ू में रोजाना लगभग 400 से 500 लोग आते हैं, लेकिन पैरामेडिकल स्टाफ की कमी के कारण मरीजों को दवा के लिए भटकना पड़ता है। साथ ही खबर है कि नर्सों के 31 पदों में से 17 पद खाली पड़े हैं और इसी प्रकार
फार्मेसिस्टों के 9 पदों में से केवल 3 ही पद भरे जा सके हैं। अगर कोई छुट्टी पर जाता है तो डॉक्टरों को पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी को निभाना पड़ता है। इसके अलावा कुछ नर्सों को कोविड के दौरान लाया गया है और यदि उनकी सेवाएं बंद कर दी जाती तो अस्पताल के कामकाज में गंभीर बाधा आ जाएगी। जस्टिस तलोक सिंह चौहान एंड जस्टिस वीरेंद्र सिंह की बेंच ने 16 मई 2023 को एक समाचार पत्र में प्रकाशित एक खबर के आधार पर जनहित याचिका रूप में न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए याचिका पर यह आदेश पारित किया है। इस मामले की अगली सुनवाई अगले हफ्ते की जा सकती है। कैबिनेट ने DHR और WHO के बीच परियोजना सहयोग समझौते को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकार ने सहायक प्रौद्योगिकी तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च और WHO के बीच परियोजना सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बारे में जानकारी दी है। परियोजना सहयोग समझौते पर 10 अक्टूबर 2022 को WHO द्वारा और 18 अक्टूबर 2022 को डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। आधिकारिक बयान के अनुसार इस सहयोग का उद्देश्य सहायक प्रौद्योगिकी तक पहुंच, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने और उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विकास और प्रसार की ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने की दिशा में काम करना है। आज हेल्थ अपडेट में बस इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।